जंगल के बीच से ये रास्ता गया है। एक देख सकते हैं कितना ज्यादा ये हिल रहा है। गोद में बच्चे को ली हुई है, बिल्कुल एकदम गांव के स्टाइल में। और यहाँ देखिए एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। हेलो बाबू, कैसा लग रहा है भाई जी आपको? मजा आ गया। अभी हम सब ग्लास ब्रिज घूम लिए हैं, अब हम सब चलेंगे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। और जस्ट यहाँ देख सकते हैं ग्लास ब्रिज के बगल से यहाँ रास्ता बना हुआ है सस्पेंशन ब्रिज जाने का। देखिए अभी हम इस पर चढ़ के देखेंगे चारों तरफ का नज़ारा। तो आइए तो देखिए हम इस पर चढ़ गए हैं अभी। और चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। देख सकते हैं पूरा पेड़ उड़ है। और गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है जो कि हम सब ने भर लिया है। अब हम सब निकलेंगे यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम बिल्कुल डिहाइड्रेट हम सब हो चुके हैं। पानी जबकि रखे हुए हैं फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया जब मौसम सही हो तब आइए, तो ज़्यादा यहाँ पर आप यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ग्लास ब्रिज से सस्पेंशन ब्रिज का जो रास्ता गया है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल के बीच से ये रास्ता गया है। एक तरफ जाली लगा हुआ है और एक तरफ बिल्कुल ओपन है जंगल, और बीच बीच में देख सकते हैं पेड़ है। और यही पथरीले रास्तों से हम सब जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, जो कि वहाँ ग्लास ब्रिज से दिख भी रहा था सस्पेंशन ब्रिज। देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज अब हम सबको दिखाई देने लगा है यहाँ से। और हम सब थोड़े ही दूर आगे बढ़े थे कि यहाँ पर देखिए एक भाई साहब यहाँ जंगल में खड़े हैं। हेलो अंकल, क्या हाल चाल है? हेलो। तो देख सकते हैं एक अंकल जी को बनाया हुआ है यहाँ पर बीच जंगल में। हम सब तो अभी आ रहे थे, बिल्कुल इनको देख के डर गए। अब देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं और पानी का बोतल ये सब ऐसे ही पेड़ पे फेंक देते हैं। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि कृपया पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि ये है तो हम हैं। आप देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज बिल्कुल साफ अब दिखने लगा है। हम सब अब पहुँच ही गए हैं सस्पेंशन ब्रिज के पास। आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग उस पर मस्ती भी कर रहे हैं। तो बस अब कुछ ही सेकंड में हम सब भी सस्पेंशन ब्रिज पे होंगे। थोड़े दूर और चलने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो और लोग हमें मिले हैं। आप देख सकते हैं सुभाष इनके साथ मस्ती करते हुए, और एक यहाँ पे हैं, ये देखिए। हेलो अंकल, हाउ आर यू? मज़ा आ रहा है यहाँ घूमकर? डिहाइड्रेट हो गए, देख सकते हैं सुभाष मस्ती करते हुए। ये रास्ता कहाँ से गया? ये रस्सी बनाया, ये बनाया हुआ है ताकि कोई रास्ता भटक कर रस्सी के उस पार ना चला जाए। और आप देख सकते हैं कि पानी के बोतल लोग ऐसे ही जंगल में फेंक देते हैं। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि डस्टबिन का प्रयोग करें, क्योंकि हर जगह डस्टबिन बनाया हुआ है। तो कृपया पर्यावरण बचाएं। कितना रुपए टिकट है यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज का? 10 रुपए टिकट है। देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज का 10 रुपए का टिकट था, उधर उस पार जाना है और फिर लौटकर इधर ही आना है। देख सकते हैं हम सब सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए हैं, और ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। देख सकते हैं ये ब्रिज बहुत ज्यादा हिल रहा है। 10 रुपए का इसका टिकट था इस पार जाने का और फिर वापस लौट कर आने का। कैसा लग रहा है भाई जी आपको? मजा आ गया। बहुत ज्यादा हिल रहा है। अब सब सीन
खड़ा सा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं ग्लास ब्रिज वहाँ पे दिखता है, तो देखिए ग्लास ब्रिज देखिए डगमगा जा रहे हैं इस पर खड़ा होने में। ये देखिए बहुत ज्यादा हिल रहा है। एक पिलर देखिए वहाँ लास्ट में है और एक पिलर उधर लास्ट में है। ब्रिज को देख के लग रहा है जान फिल्म का थोड़ा सा शूट मूवी का सीन याद आ गया। और जैसा कि हम सबको मालूम है लक्ष्मण झूला वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो लक्ष्मण झूला का आनंद आप सब ले सकते हैं। देखिए राजगीर में तो पैसा वसूल है भाई। आओ यहाँ पे और आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे बनाया हुआ है, देखिए कुछ कुछ। तो चलेंगे हम सब अभी वहाँ पे और देख सकते हैं यह सस्पेंशन ब्रिज। आइए अभी हम सब चलेंगे नीचे क्योंकि नीचे देखिए पत्थर ढो रही है महिलाएं, तो उसका स्टैच्यू बनाया हुआ है। तो अभी हम चलकर देखेंगे सस्पेंशन ब्रिज पर, तो भाई मजा आ गया। ये देखिए नीचे भी देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे पेड़ लगाते हुए हैं लोग, गले में सांप हैं। ये क्या बना हुआ है अंकल, ये क्या बना हुआ है? आदिवासी लोग हैं ये सब, तो देख सकते हैं बीच में पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है और ये देखिए सांप गले में सबका लटका हुआ है। यहाँ पे एक महिला बच्चे को गोद ली हुई है, देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ खेल रहा है। तो ये सब पेड़ के चारों तरफ देखिए बनाया हुआ है। और यहाँ नीचे आप सब देख सकते हैं कि नीचे भी बना हुआ है वैसे ही। एक वहाँ पे देखिए जानवर बना हुआ है, देखिए अभी सस्पेंशन ब्रिज पार करके हम सब इस तरफ आए हैं और यहाँ पे हम सब रेस्ट करने के लिए। बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया हुआ है, ये देखिए घास का बना हुआ है छप्पर और बैठने वाला देखिए लकड़ी का बना हुआ है, तो बिल्कुल एकदम गांव का याद आ जाएगा आपको यहाँ पर। तो हम सब यहाँ पर ठंडा हवा में यहाँ बैठे हुए हैं और बैठकर आनंद। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ देखिए जंगल में क्या क्या बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक शेर बना हुआ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकता है। और आप देखिएगा यहाँ देखिए सुफियान ब्रिज करते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो ये देखिए ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पे बिल्कुल देखिए गांव जैसा घर बनाया हुआ है आराम करने के लिए, देखिए बिल्कुल एकदम गांव के जैसा। और इसके अंदर जैसे हम सब आते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं, देखिए एक महिला गोद में बच्चे को ली हुई है बिल्कुल एकदम गांव के स्टाइल में। और यहाँ देखिए एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, हेलो बाबू सब देख। और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए बना हुआ है। और देखिए और इसके बाहर निकलिएगा तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, एक महिला देखिए बच्चे को गोद ली हुई है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है चारों तरफ, वहाँ देखिए एक महिला पत्थर ढो रही है। और अब देखिए इधर आइएगा तो देखिए पत्थर भर रही है, वहाँ पे देखिए पत्थर महिला उठा रही है। इधर देखिए और भी बना हुआ है घर। इस घर के अंदर घुसते हैं तो इस घर के अंदर देखिए, देखिए यहाँ पे ये भाई साहब एक है, हाँ एक ये मुन्ना बच्चा कितना प्यारा सा है तो देख सकते हैं। देखिए महिला गोद में ली हुई है उसको, यहाँ पे एक बैठने के लिए बना हुआ है। देखिए एक महिला यहाँ पे बैठी हुई है और एक देखिए एक यहाँ पे बच्चे को गोद ले रही है, बिल्कुल प्यारा सा बच्चा। तो आप देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज के इस तरफ कितना कुछ है देखने के लिए। तो सस्पेंशन ब्रिज पर आकर बहुत मजा आया, तो आइए वीडियो में हमारे साथ बने हुए रहिए और भी हम सब एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए वहाँ पे ग्लास ब्रिज।